सो गाइज, आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का सैड फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। गाइज, इस वाले फोटो को हम लोग स्नैपसीड एंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज करके एडिटिंग करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का सैड फोटो एडिट करना सीखना, तो आप लोग इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने फ़ोन में हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से अपने फ़ोटो को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में अपने फ़ोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पेंसिल वाला आइकॉन पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, टून इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो में ब्राइटनेस को ऐड कर लेंगे और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर देंगे और थोड़ा सैचुरेशन को भी ऐड कर लेते हैं और थोड़ा एम्बियंस एंड शैडो को भी इंक्रीज करके सिंपली यहां से इसको हम डन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से पेन वाला आइकॉन पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहां से डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो में थोड़ा स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे और थोड़ा शार्पनेस को भी ऐड करके सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब फिर से पेन वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके सर्कल कुछ इस तरह छोटा कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से हम साइड में रखते हैं और इसके विग्नेट को हम लोग फुल डिक्रीज कर देंगे और इसके ब्लर को हम लोग 50% पर रख के सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट स्ट्रेच वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से व्यू एडिट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से लेंस ब्लर वाला ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को जूम करके अपने बैकग्राउंड में हम कुछ इस तरह से ब्लर ऐड कर लेंगे। तो अब सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से पेंसिल वाला आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट वाले टूल पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ से इसको हम डन कर देंगे और फिर से एडिट स्ट्रेच वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करके यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको इन्वर्ट करके कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को जूम करके अपने स्किन पर से हम इस वाले इफेक्ट को रिमूव कर लेंगे। तो अब सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से पेन वाला आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, व्हाइट बैलेंस वाले टूल पर क्लिक करेंगे और इसके टेम्परेचर को कुछ इस तरह से डिक्रीज कर देंगे और इसके टिंट को थोड़ा सा प्लस कर देंगे और सिंपली यहाँ से इसको फिर से डन कर देंगे। अब फिर से पेन वाला आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे और सिंपली इसके सर्कल कुछ इस तरह छोटा करके यहाँ से इसको हम डन कर देंगे और फिर से हम एडिट स्ट्रेच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, लेंस ब्लर वाला ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को जूम करके अपने फेस पर हम कुछ इस तरह से इसको हम ब्रश करेंगे ताकि आपका फेस यहाँ पे स्मूथ होने लगेगा। चलिए हम जल्दी से अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं। तो हमारा फेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया है, आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो अब सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं और हम क्या करेंगे, फिर से पेन वाला आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को सबसे पहले जूम कर लेंगे और अपने फेस पर कुछ इस तरह से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। तो हमारा स्नैपसीड का जितना भी वर्क था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो। अब सिंपली यहाँ शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाला फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेंगे।
तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टूल वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो के ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से क्या करेंगे, इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे और सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एक ब्रोकन हार्ट वाले टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले टेक्स्ट की पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह जूम करके यहाँ से ब्लेंड मोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको स्क्रीन पे करते हैं और इसको कुछ इस तरह जूम आउट करके हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एक ब्लड वाले पीएनजी को ऐड करेंगे। तो इस बार हम इस वाले दोनों पीएनजी को ऐड करेंगे और इस वाले पीएनजी को कुछ इस तरह जूम आउट करके अपने सिर में हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी कुछ इस तरह से जूम आउट करके यहाँ से इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे और सिंपली यहां से इसको डन कर देंगे। अब अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से क्या करेंगे, रोज वाले पीएनजी को ऐड करेंगे। तो इस वाले रोज पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह से जूम आउट करके अपने हैंड में हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब यहां से इसको हम डन कर देते हैं। तो हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो। अब सिंपली यहाँ से ड्रॉ टूल वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे।